सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम आज बात करने वाले कस्टमाइजेशन किट के बारे में, जो कि किस गन पे लगाना चाहिए और किस गन पे नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, सबकी प्यारी M4 से। तो गाइस M4 पे कस्टमाइजेशन किट लगाने से उसका रिकॉल कम हो जाता है, जैसे कि मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ विदाउट कस्टमाइजेशन किट के। और अब कस्टमाइजेशन किट लगाने के बाद आप देख सकते हो इसका स्प्रे काफ़ी स्टेबल हो गया, इसका डिविएशन कंट्रोल भी काफ़ी स्टेबल हो गया है और बिल्कुल नो रिकॉइल स्प्रे जा रहा है 6x के साथ। तो कस्टमाइजेशन किट काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप कस्टमाइजेशन किट लगा के अगर M4 का स्प्रे दोगे, बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मतलब बिल्कुल कस्टमाइजेशन किट से M4 की सारी बुलेट बिल्कुल यू नो इसका स्प्रेड कम हो जाएगा, बिल्कुल हेड टू हेड क्रॉस हेयर के हेड टू हेड जाएगा बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट। तो कस्टमाइजेशन किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि आप लगा सकते हो कि आपके पास एनिमी है, उसने भी M4 ले हुई है और आपके पास भी M4 है, लेकिन आपने कस्टमाइजेशन किट लगा दिया है, तो आपका एम काफ़ी एक्यूरेट होगा। आपकी बुलेट अगर एम हेड पे है तो सारी गोलियां हेड पे होंगी, जरा भी एक गोली इधर से उधर नहीं होगी। तो गाइस यही मैटर करता है गेम में। तो गाइस ये सोचना मत कि कस्टमाइजेशन किट से कितना प्रेफर करता है, कितना वेरिएशन आता है, कितना डिफरेंस होता है, लेकिन काफ़ी मैटर करता है कस्टमाइजेशन किट। कुछ गन कस्टमाइजेशन किट से काफ़ी बेकार हो जाती है, तो मैं बता दूंगा आपको कि किस गन में यूज़ करना है और किस गन में नहीं करना है। हालांकि सभी में अच्छा हो ही जाता है, लेकिन कुछ गन बिगड़ जाती है। तो गाइस M4 को बताती है आप, स्कारल साथ में था, स्कारल का देखा, तो स्कारल का रिकॉइल काफी कंट्रोलेबल हो जाता है और साथ में मैगजीन कैपेसिटी 50 बुलेट्स हो जाती है। मतलब बिल्कुल M4 की तरह स्प्रे जा रहा है और 50 बुलेट के साथ। तो भाई काफी बढ़िया है कस्टमाइजेशन किट स्कारल के। तो गाइस स्कारल है और कस्टमाइजेशन किट अपने ड्रोन क्रेडिट से या फिर आपको मिल चुका है, तो स्कारल में जरूर यूज करना अगर आपके पास स्कारल या यूज करते हो आप। स्कारल लॉन्ग रेंज के लिए भी काफी अच्छी हो जाएगी स्प्रे के लिए। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट M7 के बाद। गाइस M7 बैरल में अगर आप कस्टमाइजेशन किट लगा, तो इसका डैमेज काफी अच्छा हो जाएगा लिटरली। मतलब इसका डैमेज जैसे कि सामने वाले के पास बैरल है और आपके पास में बैरल है, अगर आप उसको 5 गोली मारोगे और वो आपको 10 गोली मारेगा, उसको काफी डैमेज हो जाएगा, बजाय आपके 10 गोली खाने के बाद भी वो तुरंत गिरेगा। बस इसका थोड़ा सा रिकॉइल बढ़ जाएगा, लेकिन डैमेज काफी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा रिकॉइल इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे बैरल आप कंट्रोल करते हो, जैसे कि मेरी प्राइमरी वेपन बैरल ही है, तो मैं आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ उसको मिड रेंज या शॉर्ट रेंज में बिल्कुल। तो कस्टमाइजेशन किट बैरल पे तो काफी अच्छा है, यूज करना भूलना मत। और गाइस एक बात बता दूं, कस्टमाइजेशन किट आप ड्रॉप गन्स पे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि AWM, रोजा और ऑग, इन पे आप कस्टमाइजेशन किट ऑलरेडी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी काफी धमाकेदार गन्स है। तो गाइस अब बात करते हैं DMRs में। तो गाइस मोस्टली DMRs में क्या होता है, कस्टमाइजेशन किट लगाने पर या तो कैपेसिटी बढ़ती है या फिर डैमेज बढ़ता है। तो आप यूज करके देख सकते हो, मिनी में देख सकते हो थोड़ा रिकॉइल बढ़ जाएगा और डैमेज बढ़ जाएगा। ऐसे SKS या SLR में भी यही होता है। तो मोस्टली ज्यादा मैं DMR यूज करता नहीं हूँ, लेकिन इस गेम में काफी यूजफुल है DMR, तो यूज जरूर करना। तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं स्नाइपर का। क्योंकि स्नाइपर में क्या है, डैमेज बढ़ जाएगा, जैसे कि आप M24 या कैरनेटेड यूज करते हो, उसमें कस्टमाइजेशन किट लगा दिया तो उसका डैमेज काफी बढ़ जाएगा। लाइक M24 का AWM के लेवल का हो जाएगा, मतलब उसके आसपास हो जाएगा बिल्कुल ही, इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन आसपास। लेवल 3 हेलमेट जरूर तोड़ देगा वो। तो गाइस कस्टमाइजेशन किट M24 और कैरनेटेड मस्ट है, यूज जरूर करना। लास्ट टाइम लास्ट जोन चल रहा है और आप ड्रोन से सीधा कस्टमाइजेशन किट लगा दोगे M24 पे, तो आपके लिए काफी बेटर हो जाएगा। लाइक बंदा तुरंत गिरेगा पट से हेडशॉट, लेवल 3 हेड भी तुरंत कटेगा, ये जरूर यूज करना। गाइस अब बात करते हैं मशीन गन्स बारे में, DP और M249। तो गाइस इनमें कुछ डैमेज वगैरह नहीं बढ़ता, सिर्फ कैपेसिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ता, सिर्फ कैपेसिटी बढ़ेगी। लाइक DP में कितनी होती है, 45 वगैरह कितनी होती है, उससे बढ़कर 75 ऐसा कुछ या 50 हो जाती है, आई थिंक 45 से 75 या 50 हो जाती है DP में। और M249 में 75 से 150 हो जाती है, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, बट रिलोड टाइम वैसे ही बढ़ेगा, जैसे जितना ज्यादा कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा रिलोड टाइम लगेगा, तो ये बेकार लगेगा आपको। लेकिन 150 बुलेट्स और 70 बुलेट काफी है DP से और M249 से चलाने, तो अच्छा है, आपकी मर्जी है, आप कैसा प्रेफर करते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो गाइस जॉर्ड, मतलब इसमें तो यूज करना ही है, वो है SMG कस्टमाइजेशन किट। SMG को मतलब ड्रॉप वाली गन बना देते हैं बिल्कुल लिटरली, सबसे बेस्ट है उजी। मतलब उजी का पहले से हिप फायर बिल्कुल एक्यूरेट जाता है, हेड टू हेड बिल्कुल परफेक्टली, बुलेट एक की इधर उधर नहीं होती है। कस्टमाइजेशन किट से डैमेज तो बढ़ता है, ये मतलब बोली बिल्कुल परफेक्टली जाती है एक्यूरेट। उजी पे अगर लगा कि आपने कस्टमाइजेशन किट खेल लिया ना, बंदा कोई नहीं गिरा पाएगा, ग्रोजा वाला भी नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि फायर रेट बहुत ज्यादा है उजी का। तो उजी पे कस्टमाइजेशन किट लगा दिया और आप
आपने पूरा गेम खेल लिया तो गारंटी चिकन डिनर है, मतलब गारंटी। अदरवाइज आप बम बम से गिर जाते हो तो मतलब नहीं, लेकिन उजी से मतलब परफेक्ट सर। तो गाइस उजी पे तो यूज जरूर करना। तो गाइस अब बात करते हैं यूएमपी की। अब यूएमपी में भी हम, जैसे कि बहुत से लोग आपको पता नहीं होगा, यूएमपी में सप्रेसर लगा के और मतलब क्या स्प्रे रहता है यूएमपी में, मतलब लिटरली ऑसम। बीजीएम में बिगड़ चुकी है यूएमपी, लेकिन भाई क्या ही स्प्रे जाता है इसमें। तो गाइस यूएमपी में कस्टमाइजेशन की लगा दिया सप्रेसर और मैगजीन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और डैमेज तगड़ा, मतलब ना तगड़ा, बंदा पहचान भी नहीं पाएगा कहाँ से गोली आया और कहाँ से खत्म हो। यूएमपी में भी बहुत ही मस्त, मेरा मतलब प्रेफर कर रहा, एक बार यूज करके देखना गेम में। तो गाइस अब बात करते हैं बर्स्ट गनों पे। सबसे पहले बात करते हैं M16 पे। तो गाइस M16 पे ऑटो पे हो जाएगा और थोड़ा रिकॉइल बढ़ जाएगा, ऑटो पे चला सकते हो आप M16, काफी अच्छी चलेगी। मैंने कुछ चला के देखी, काफी बढ़िया चलती है, लेकिन जो M4 का या फिर AR का स्पीड आती है वैसे मजा नहीं आता है। हालांकि आप यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, डैमेज का रिकॉइल काफी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं। और म्यूटेंट तो बता दूं, वो भी ऑटो पे चलेगी बिल्कुल परफेक्टली करके, वो एक बार चला के देख लेना आप भी, उसका डैमेज बढ़ता है। बस यही है बस का। तो अब बात करते हैं AKM की। तो गाइस ध्यान से सुनो, AKM पे अगर आपने लगा दिया तो भाई आप उसके नीचे अगर AKM पे लगा दिया था, AKM और बैरल मिक्स हो गई समझ, मतलब काफी मैटर करता है गेम में। जैसे कि अगर आप लास्ट जोन में हो और बंदी के पास ग्रोज है और आपके पास कोई अच्छी गन नहीं है, कस्टमाइजेशन किट लगाने से आपके जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, गारंटेड। मतलब वो ग्रोजा से आपको दो गोल मारेगा, कस्टमाइजेशन किट पे कोई बैरल वगैरह हो या फिर उजी हो तो आप उसे गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसे यूज करना मत भूलो, ये टिप्स काफी यूजफुल है। लास्ट जोन पे भी काफी यूज होता है, या फिर आप जैसे कि आपने हॉट ड्रॉप लिया, आपने बंदे मार दिया, आप जा रहे हो दूसरे नेक्स्ट बंदे से फाइट लेने, उससे पहले कस्टमाइजेशन किट जरूर यूज करो हर गन पे। M16 पे यूज करना बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप कस्टमाइजेशन किट लगा हुए तो एक बार लगने के बाद उसे हटा नहीं सकते, और M16 में लगा दिया तो सिर्फ ऑटो पे चलेगी, रिकॉल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका स्टॉक पीछे जो लगाने का ऑप्शन है वो स्टॉक हट जाएगा, जिससे रिकॉल काफी बढ़ जाएगा। तो इतना सही नहीं होगा, टैप टैप भी सही नहीं यूज होगा, तो मतलब ही नहीं है ऑटो पे जब सही से चला नहीं पा रहे तो टैप टैप भी सही नहीं होगा। कस्टमाइजेशन किट अवॉइड करना M16 में, बेटर है विदाउट कस्टमाइजेशन किट, तो ये जरूर ध्यान रखना। ये टिप्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और कमेंट में बताओ कि आपको किस बारे में वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए पबजी न्यू स्टेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।